जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। रणवीर, दिखाइए वहां की तस्वीरें, और मुख्यमंत्री जो है वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये जो सीट है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसके भी समीकरण थोड़ा बताइए आप। देखिए, निश्चित तौर पे गोरखपुर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर गोरखनाथ मंदिर है। और ये जो सामने आपको भीड़भाड़ दिख रही है, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने पहुँचे हैं। और हर बार मैं लगभग पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, चूँकि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, सुबह सुबह 7 बजे वोट डालते हैं और वोट डाल करके वापस मंदिर जाते हैं। और अभी भी सीएम रहते हुए भी वो सुबह सुबह 7 बजे ही वोट डालने आते हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए, इस बार गोरखपुर से रवि किशन चुनाव मैदान में है, और सामने है समाजवादी पार्टी की काजल निषाद। तो ये सीट जहाँ से 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, इससे पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज वो सांसद रहे, और उनके भी गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज 1960 के दशक में सांसद थे। यानी कि गोरखनाथ मंदिर के प्रभाव वाला ये इलाका, जहाँ इस बार रवि किशन मंदिर के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है गोरखपुर, वाराणसी के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी में हैं, और गोरखपुर से रवि किशन दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। 2019 में वो सांसद बने थे। मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूँ। और आज यहाँ सीएम पहुँचे हुए हैं, थोड़ी देर में सीएम निकलेंगे, और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना एक लोगों से अपील करेंगे वोट डालने की, चूँकि यूपी में भी पहले दूसरे चरण में बहुत कम वोटिंग हुई थी, उसके बाद सुधार आया था, लेकिन जितनी उम्मीद थी 60-65% या उससे ऊपर, वो अब तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री एक बार अपील करेंगे अपने उस गढ़ में, उस पूर्वांचल में, जहाँ पर आज 13 सीटों पर वोटिंग है। और ये 13 सीटें हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव, घोसी, इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर, ये तमाम सीटें हैं, और बलिया भी एक शामिल है। तो ये जो 13 सीटें हैं, ये 13 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। और आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री वोट डालकर अब निकल रहे हैं बिल्कुल सामने, और अब सीएम आएंगे अगले करीब 30 से 40 सेकंड में। मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ जो वोटर्स हैं जो बाहर खड़े थे, उनसे सीएम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अब उस जगह आ रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बात करेंगे, मीडिया से एक अपील करेंगे, और अपील में होगा क्या कि लोग वोट दे दें। तो इस तरह की कोशिश है, और अब हम आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कहने वाले हैं, क्या अपील करने वाले हैं। और तस्वीरों में बिल्कुल साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो चुनाव में वोट डाल कर आए हैं, वो अभी इस वक्त अपनी उंगली पर वो चुनाव का प्रतीक दिखा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ, और आप देखिए तमाम जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो साथ में लगे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर के पास झूलेलाल मंदिर के ठीक बगल का प्राथमिक विद्यालय, जहां सीएम पहुंचे थे, और अब सीएम अपनी बात रखने के लिए यहां आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अब अपील करेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे। तो तस्वीरों में अब सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सुनाते हैं कि सीएम क्या अपील करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अभी यहां पर वोट डालने के बाद अब पहुंचे। हट जाओ यहाँ से, एनएससी हट जाओ, पकड़ जाओ, पीछे से भी हट जाओ, पीछे से बैठ जाओ। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह वोटिंग शुरू ही हुई है, और यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वोट डालकर जो है उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया, और योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जो कि अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और वो उंगली पर जो निशान वोट डालने के बाद लगता है वो दिखा रहे हैं। और अब सुनते हैं कि क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है।
जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी